सुमन, बीजेपी नेता जो हैं चौधरी साहब, वो यहाँ आए थे, क्या हाँ, कह रहे थे? अच्छा, कह रहे कि हमारे यहाँ काम करो, और क्या कहें, काम करो, मैं 10,000 चाहिए 10,000 दूंगा, 20,000 चाहिए 20,000 दूंगा, मेरे कमरे पर रहो और मेरे मेरी गुलामी करो, मेरे घर रहो। चौधरी साहब किस चीज से आते हैं? आई ना कि मैं यहाँ पे तुम्हारे मुरादाबाद के अंदर रहने नहीं दूंगा कहीं पे भी, ना तो मैं कमरे देने दूंगा कहीं पे भी। तो मैं हम थे काम पे, तो मेरी लड़की ही अकेली, तो घर में अर्रा पर रही, तो वो तो किराया नहीं सामने, उन्होंने घर में ना घुसन दिया, मेरी लड़की ही छोटी वाली, वो मेरी डर के मारे उन्हें किवाड़ बंद कर ली। कब से परेशान कर रहा है वो? दो दो दिन तो लगातार आया वो। अच्छा, किस चीज पे आया था? आया किसी पे भी ना, गई ना, इन्होंने कह रहा है तुम कहाँ रह रहे हो, तो बोले यहाँ रह रहे हैं। कैसे कमरे में रह रहे हो? मैं दूंगा तुम अपने कमरे रहने के लिए, मेरे यहाँ काम करियो और रह रही हो, फ्री में पैसा मत दियो, फ्री में रही हो। तो मैं ये मुझसे कहने लगे, ऐसे कह रहे मैंने हम ना रहे, मैं भैया रहे वहाँ उसके वहाँ कमरे में, हम पैसा देना मंजूर करेंगे, हम ना रहेंगे। तो वो उस दिन से उन्हें पीछे पकड़ लिया हमारा, तो मैं रहने ना दूंगा कहीं, ना कमरे ना मैं कमरे कहीं रहने दूंगा, तुम्हारे मुरादाबाद के अंदर भी ना रहना दूंगा, तो मैं कहीं ना रहना दूंगा। आके धमकाता है? आके धमकाता है? हाँ, आके धमकाता है वो। वो कह रहा था कि हमारे यहाँ काम करो और हमारे यहाँ रहो, और मतलब यहीं पे रहने देंगे, तो वो कहीं जाने भी नहीं दे रहा था। किससे कह रहा था? पापा से कह रहा था। अच्छा, फिर? और पापा को मारने के लिए भी कह रहा था वो। मारने तो मेरे लिए सामने। हाँ, कह रहा था कि अगर तू यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे कोई भी तुझे कमरा नहीं मिलना चाहिए। महिला की तहरीर प्राप्त हुई है, उस पर FIR की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या भाजपा नेता की कोई पहचान हो पाई है? जो भी उसमें अभियुक्त होगा उसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी, मुझे जानकारी नहीं है कि वो कौन सी पार्टी है। पीड़िता का क्या आरोप है उसमें? क्या उसने यही बताया कि वो उसकी पुत्री को बुरी नजर से देखता।